हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आई क्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 296। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके सो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए इनपुट से उसने स्टेप नंबर वन में क्या किया है, उसने यहाँ से स्मॉलेस्ट इवन नंबर को लिया है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट इवन नंबर आपके पास क्या, देखिए 24 है। उसने उसकी डिजिट्स के बीच का डिफरेंस को लिया और लेफ्ट हैंड पर प्लेस करा दिया, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्टेप नंबर वन में उसने क्या करा है, उसने स्मॉलेस्ट इवन नंबर को लिया है, ठीक है, डिजिट्स का डिफरेंस लिया है और उसको कहाँ पर प्लेस करा दिया, लेफ्ट हैंड पर प्लेस करा दिया। और अगर हम बात करें उसके बाद उसने क्या करा, देखिए यहाँ पर 12 किस तरीके से आया, उसने लार्जेस्ट ऑड नंबर लिया है, मतलब क्या 75, और उसकी डिजिट्स का सम यहाँ पर पुट करा दिया है। अगर हम बात करें यहां पर उसने क्या करा है, लार्जेस्ट इवन नंबर लिया है और उसकी डिजिट का सम उसने सेकंड लास्ट पोजीशन पर पुट करा दिया है, सेकंड लेफ्ट पर, ठीक है। सेकंड स्टेप में अगर हम बात करें उसने क्या करा, फर्स्ट से सेकंड स्टेप में उसने क्या करा है, इन दोनों को सेम रखा है। उसके बाद अब उसने क्या करा, देखिए पहले उसने स्मॉलेस्ट नंबर लिया था, स्मॉलेस्ट इवन नंबर ये आपके पास ऑड हो जाएगा। अब उसने क्या करा है, सेकंड स्मॉलेस्ट लिया है। सेकंड स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करें तो आपके पास क्या है, देखिए आपके पास 32 रह गया। अब उसने इन दोनों का डिजिट्स का सम लेकर यहाँ पर पुट करा दिया है, मतलब सेकेंड स्टेप में उसने जो ऊपर करा था उसको इंटरचेंज कर दिया है। अब जो आपके पास सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, उसने क्या करा, उसकी डिजिट्स का सम कर दिया है और उसको लेफ्ट एंड पर प्लेस करा दिया। लेफ्ट एंड पर नहीं, मतलब जो आपके पास ऑलरेडी प्लेस थे उसके बाद प्लेस करा दिया। और अगर हम बात करें सेकेंड लार्जेस्ट जो आपके पास ऑड नंबर है, उसने उसमें क्या करा, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें सेकेंड लार्जेस्ट आपके पास ऑड नंबर आई थिंक 63 है, इन दोनों के बीच का उसने डिफरेंस ले लिया है। तो यहाँ पर क्या करा है, उसने डिजिट्स का डिफरेंस ले लिया है और उसको कहाँ पर प्लेस कराया, लेफ्ट पर प्लेस कराया, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप में उसने क्या करा, इनको उसने सेम प्लेसेस पर रखा है। अब फिर से अगर हम जाएंगे किस पर, इनमें से स्मॉलेस्ट देखिए, इनमें से स्मॉलेस्ट आपके पास इवन नंबर कौन सा है, अगर हम बात करें 46 है। अब इन दोनों के बीच का फिर से उसने डिफरेंस ले लिया, यहाँ पर पुट करा दिया। उसके बाद ऑड की बात करें तो इनमें से सबसे बड़ा ऑड कौन सा है आपके पास, देखिए 51 है, इन दोनों का उसने सम यहाँ पर प्लेस करा दिया, बाकी सब कुछ आपके सेम है। फिर यहाँ से यहाँ फिर से देखिए, ये सब कुछ आपके सेम रहेगा। अब इनमें से अगर हम बात करते हैं आपके पास सबसे छोटा ईवी नंबर कौन सा, ये है, इन दोनों को उसने ऐड करा, यहाँ पर प्लेस करा दिया। और अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा आपके पास ऑड नंबर ये है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर पुट करा दिया। इसी तरीके से उसने आगे भी कराया, क्लियर है। अब इन्हीं पर बेस्ड हमारे पास ये इनपुट है, तो इसको भी हम चेंज करते हैं, देखिए किस तरीके से करेंगे। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 38, 19, 67, 50, ये आपके पास हो जाएगा 25, 32, 71, 26, 59, 74, ठीक है। तो इसको हम अरेंज करते हैं इसी तरीके से, देखिए। ओके तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हम स्मॉलेस्ट इवन नंबर को लेंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर देखिए आपके पास क्या है, ये इवन नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर ये है, फाइन। ये आपके पास स्टेप नंबर वन में कहाँ पर जाएगा, लेफ्ट हैंड पर जाएगा, ए, ठीक। और ये क्या बन जाएगा आपके पास, 0, 4 बन जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस लेना हमें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट ऑड नंबर की, तो लार्जेस्ट ऑड नंबर आपके पास क्या, देखिए 71 है, 71 को उसने कहाँ पर प्लेस कराया, लेफ्ट हैंड पर ही, स्टेप नंबर वन में लेफ्ट हैंड बी, और इन दोनों के बीच का उसने सम लिया है, ठीक है। तो सम आपके पास कितना आ जाएगा, 0.8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप की अगर हम बात करते हैं, तो सेकंड स्टेप में उसने किसको प्लेस कराया, 26 के बाद आपके पास कौन सा आएगा, देखिए आपके पास 32 आएगा, स्टेप नंबर टू में लेफ्ट साइड ए। अब उसने यहाँ पर इन दोनों को क्या करा है, सम कर दिया, मतलब 0.5 हो जाएगा। 71 के बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद आपके 63 आएगा,
ये आपके स्टेप नंबर टू में लेफ्ट साइड बी हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लेंगे, मतलब कितना 0-1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप की अगर हम बात करते हैं, देखिए 32 के बाद आपके पास अब कौन सा नंबर है, आपके पास 38 है, ये किस में आएगा, स्टेप नंबर थ्री में लेफ्ट साइड ए, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिया था, सम लिया था, अब हम डिफरेंस लेंगे, 0-5 आएगा आपके पास। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, ऑड नंबर की, 67 के बाद आपके पास कौन सा ऑड नंबर आएगा, 59 आएगा, ये आपके पास स्टेप नंबर थ्री में एल बी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर हमने डिफरेंस लिया था तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, मतलब 14 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके पास 38 के बाद ये आएगा फोर्थ स्टेप में, फोर्थ स्टेप में लेफ्ट ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने डिफरेंस लिया था, यहाँ पर हम सब कर देंगे, 0-5 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, ऑड की, तो ऑड में देखिए आपके पास 59 के बाद 25 आएगा, ये हो जाएगा आपके पास स्टेप नंबर फोर में और लेफ्ट बी। यहाँ पर हमने क्या करा था, सम लिया था, अब हम डिफरेंस लेंगे, मतलब 0-3 हो जाएगा, फाइन। उसके बाद फिर से इवन पर आएंगे, ये आपके पास स्टेप नंबर फाइव एल ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने सम लिया था, यहाँ पर हम डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0-3। उसके बाद ये आपके पास स्टेप नंबर फाइव एल बी, इन दोनों के बीच का हम क्या करेंगे, सम करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या अरेंजमेंट होगी। अब इसी पर बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, हम उन क्वेश्चन को करते हैं, देखिए। ओके, सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में गिवन क्या, उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फॉलोज द एलिमेंट 14 इन स्टेप नंबर थ्री। तो अगर मैं स्टेप नंबर थ्री लिखता हूँ, देखिए सबसे पहले हम 1LA लिखेंगे, मतलब क्या 04, 1LB लिखेंगे, मतलब क्या 08, 2LA लिखेंगे 05, 2LB लिखेंगे 01, उसके बाद 3LA लिखेंगे 05, 3LB लिखेंगे 14, बाकी सब कुछ आपके पास जैसा नॉर्मली था वैसे ही लिखेंगे, मतलब क्या 19। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं उसने 50, ठीक है। वैसे उसने पूछा गया था कि आपको बताना है कौन सा फॉलो करता है 14 को, तो 14 को कौन फॉलो कर रहा है, देखिए 19 कर रहा है, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर भी ये आपके पास आएगा 25 एंड देन आपके पास 74, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, इस क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिपीट्स द मैक्सिमम टाइम इन लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो लिख लेते हैं एक बार जल्दी से, 1LA मतलब 04, 1LB 08, 2LA 05, 2LB 01 एंड देन 3LA 05, 3LB 14, 4LA 05, 4LB 03 एंड देन आपके पास 5LA 03, 5LB 10, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें मैक्सिमम आपके पास क्या रिपीट हो रहा है, देखिए 08 एक बार आया, 01 एक बार आया, 03 12 टाइम्स आया, ओके 04 और यहाँ पर 1 टाइम आया, 05 12 3 टाइम्स आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 05 इज दी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप नंबर टू एंड सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप नंबर फोर्थ। ओके, सो हम जानते हैं यहाँ पर आपके पास सिंपल अरेंजमेंट हो रही है। तो अगर हम बात करते हैं थर्ड एलिमेंट जो आपके पास स्टेप नंबर टू में होगा, तो वो कौन सा होगा, देखिए अगर हम बात करते हैं स्टेप नंबर टू में, तो आपके पास सबसे लेफ्ट एंड पर कौन सा होगा, 1LA, फिर उसके बाद 1LB, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, 2LA आएगा, मतलब क्या हो गया आपके पास, 05। तो थर्ड एलिमेंट आपके पास कौन सा हो रहा है, लेफ्ट एंड पर स्टेप नंबर टू में 05। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड स्टेप नंबर फोर। तो अगर मैं स्टेप नंबर फोर की बात करता हूँ, हम एक चीज़ जानते हैं आपके पास राइट एंड पर जो दो एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे, जो रिमेनिंग होंगे आपके पास फिफ्थ स्टेप में अरेंज होने के लिए, इजंट इट। और ये दोनों भी किस तरीके से अरेंज होंगे, नॉर्मली, मतलब कि यहाँ पर आपके पास 19 आएगा, यहाँ पर आपके 74 आएगा, है ना। तो आपके पास यहाँ पर सेकेंड लास्ट अगर हम बात करते हैं कौन सा है, 19 है, तो इन दोनों का आपको सम फाइंड आउट करना है, कितना हो जाएगा, 24, मतलब
D1 इज द राइट आंसर. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए, ओके, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, अगर हम बात करते हैं M और L की, तो देखिए M आपके पास यहाँ पर गिवन है, L आपके पास यहाँ पर गिवन है. हम M से L कैसे आ सकते हैं? इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है आपके पास, X कॉमन नहीं है, G कॉमन नहीं है, B कॉमन नहीं है, U कॉमन नहीं है. तो आपको पहले यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा. इन दोनों में अगर हम बात करते हैं तो B आपके पास कॉमन है, मतलब कि M इज ग्रेटर दैन इक्वल टू B. फिर B पर हम पहुँच गए, अब आपको B से यहाँ पर जाना है. तो यहाँ से यहाँ अगर हम बात करते हैं तो Z के थ्रू आपको जाना पड़ेगा. B इज़ ग्रेटर दैन Z, देन Z इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू L. तो इन दोनों के बीच में अगर हम बात करते हैं आपके पास क्या आएगा, M इज़ ग्रेटर दैन L आएगा, और वही गिवन है इसलिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा. G से अगर मैं P की बात करता हूँ तो G आपके पास यहाँ पर गिवन है और P आपके पास यहाँ पर गिवन है. फिर से देखिए, G से पहले मेरे को B जाना पड़ेगा, G इज़ लेस देन B. फिर B से मेरे को Z जाना पड़ेगा, B इज़ ग्रेटर देन. तो यहाँ पर इनके बीच हम कोई भी रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं. U से अगर मैं S की बात करता हूँ तो देखिए U आपके पास यहाँ पर गिवन है और S आपके पास यहाँ पर गिवन है. इन दोनों के बीच में रिलेशन ऑब्वियसली आपके पास देखिए U इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू B एंड देन B इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी लेस देन इक्वल टू S. इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं आएगा, इसलिए क्या जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए, ओके, इस क्वेश्चन में क्या है, D और Q के बीच में उसने रिलेशन पूछा है. D आपके पास यहाँ पर है, Q आपके पास यहाँ पर है. इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, A नहीं है, E नहीं है, P नहीं है, X नहीं है. मतलब आपको यहाँ के थ्रू जाना पड़ेगा. और इसमें भी अगर हम बात करें कॉमन आपके पास A है, तो D ग्रेटर है किससे, A से. फिर A से यहाँ पर आपको जाना है, तो इनके बीच में कॉमन क्या है आपके पास, N नहीं है, U नहीं है, M नहीं है, Z है. तो क्या आएगा, A इज़ लेस देन Z. इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं निकल सकता. N और X की अगर मैं बात करता हूँ तो N से पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, Z जाना पड़ेगा, N इज लेस देन Z. देन Z से आपको A जाना पड़ेगा, Z इज ग्रेटर देन A. फिर इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं आ जाएगा, A रॉन्ग हो जाएगा. P और U की अगर मैं बात करता हूँ तो P यहाँ पर है और U यहाँ पर है. P से पहले मैं A जाऊँगा, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू A. देन A से मैं Z जाऊँगा, A इज लेस देन Z. देखिए इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं आ सकता, मतलब यहाँ पर तीनों साइंस हो सकते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. थैंक यू सो मच.